हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया हो। गाइस, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे हैमर बैश 2.0। और गाइस, इस हेडफोन को रिव्यू करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप यहां पर देख रहे हैं, शार्क टैक इंडिया में जो अमन गुप्ता है, जो कि बोट के को फाउंडर और मार्केटिंग डायरेक्टर है, जिन्होंने बोट ब्रांड को बजट सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा लीडिंग ब्रांड यहाँ पर बना दिया है, तो यार वो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आए हैमर ब्रांड के अंदर, और साथ ही साथ उन्होंने होल्डिंग्स भी यहाँ पर बना लिए इस ब्रांड के अंदर। तो आज हम इसी ब्रांड के प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो जरूर से लाइक कर देना। साथ ही साथ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है अपूर्व और आप देख रहे हैं टेक कंसर्न। चले देर की इस बात की, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर बॉक्स ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट साइड में आपको हैमर की कंप्लीट ब्रांडिंग मिलती है। पंप अप द बीट यहाँ पर लिखा गया है। बैश 2.0 हेडफोन्स आपको मिल जाते हैं। कंफर्टेबल वायरलेस हेडफोन है। हेडफोन की इमेजेस है, राइट साइड और लेफ्ट साइड में भी इमेजेस आपको मिलती हैं। बैक साइड में कुछ डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। एंड गाइज, यहाँ पर जो बॉक्स प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिलती है वो कम्प्लीटली 8,245 रुपये, बट एक्चुअल प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर मैं एक्चुअल प्राइसिंग की बात करूँ तो 1,750 रुपये में ये हेडफोन आपको मिलता है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती है एक माइक्रो USB टू USB चार्जिंग केबल। उसके बाद यहाँ पर सरप्राइजिंगली दो ऑक्स केबल प्रोवाइड कराई गई है बॉक्स के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यार ऑनेस्टली, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा आपको मिलती है, जैसे कि बोट के मोस्टली प्रोडक्ट में आपको काफ़ी शॉर्ट लेंथ की ऑक्स केबल मिलती है, उसके मुकाबले काफ़ी लंबी ऑक्स केबल आपको दी गई है। एंड आपको दी गई है यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल बोल सकते हैं आप, एक आपको यहाँ पर वारंटी कार्ड मिलता है। एंड गाइस, आपको ये हेडफोन देखने के लिए मिल जाता है। इस हेडफोन्स की लुक्स की बात करूँ तो यार सीरियसली बता रहा हूँ, प्रीमियम लुक्स यहाँ पर देखने में लग रही है। जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है गोल्ड का और इस ग्रे का, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसे यहाँ पर दिखा रहा है। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हेडफोन आपको मिलता है। कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो गाइस, जैसे कि आप देखेंगे यार, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेमोरी फोम का यूज़ किया गया, तो आप समझ सकते हैं जब भी आप इसे वेयर करेंगे काफ़ी ज़्यादा आरामदायक आपको फील होगा जब भी आप म्यूज़िक यहाँ पर सुनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हिंजिस जो हैं वो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेफ्ट राइट साइड मेंशन की गई है हेडफोन में, एंड ये कुछ इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। शुरुआत करते हैं हेडफोन के डिज़ाइनिंग, बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी से। तो डिज़ाइनिंग जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ओवर द ईयर आपको मिलता है, क्योंकि ईयर कप्स जो है काफ़ी बड़े आपको मिल जाते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। कुछ इस तरीके से आपके हेड के ऊपर ये ईजिली आ जाता है, और देखने में यार लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है इसकी। बाकी अगर मैं बात करूँ, जो हेड कुशनिंग आपको मिलती है वो थोड़ी एवरेज यहाँ पर यूज़ की गई है, बट सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया यहाँ पर ईयर कुशनिंग के ऊपर। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ओवरऑल जो हेडफोन आपको मिलता है कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड से यहां पर बनाया गया है, कोई भी एल्यूमिनियम या फिर मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड गाइस, यहां पर ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो प्लास्टिक बिल्ड है, तो थोड़ा सा देख के यूज करने की बात है, बट चीप प्लास्टिक यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगती है, अच्छी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। डेफिनेटली काफी लंबे यहां पर ये चलने वाले हैं। और जो यहां पर वायरिंग यूज की गई है ये भी ब्रेडेड आपको मिलती है, तो ड्यूरेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बटन फंक्शन की बात करूं तो जो हेडफोन की लेफ्ट साइड आपको मिलते हैं, जो कि यहां पर मेंशन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको इसके पावर ऑन ऑफ बटन मिलते हैं, प्लस माइनस बटन मिलते हैं, कॉलिंग बटन मिलता है, और इन्हीं की मदद से आप यहां पर ट्रैक को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर पाएंगे। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको LED लाइट इंडिकेटर मिलता है, माइक्रोफोन मिलता है, एंड एक यहां पर आपको सिलिकन कैप मिलते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर ऑक्स का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ माइक्रो USB आपको पोर्ट देखने के मिल जाता है। चलिए इसे कनेक्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं और देखते हैं यार कैसा आपको इसका म्यूजिक आउटपुट मिलता है। इस हेडफोन को कनेक्ट करते हैं तो स्मार्टफोन में कुछ इस तरीके से आपको बैश 2.0 देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली कनेक्ट करना है और पेयरिंग यहाँ पर हो जाती है अब काफ़ी स्पीड में। और यार हेडफोन को यहाँ पर लगा के गाने सुन के देखते हैं यार कैसा हेडफोन आपको मिलता है। गाइज, मुझे पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, बट यार हेडफोन में बाहर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनने के लिए मिल रही है, जैसे कि आप सुन सकते हैं। तो लीकेज तो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है यहाँ पे। तो गाइस, साउंड आउटपुट मैंने सुन लिया है इसी हैमर बैश 2.0 का। अब मैं अगर आपको बताऊं कि कैसा साउंड आउटपुट आपको मिलता है, तो सबसे पहले तो गाइस, जैसे यहाँ पर ओवर द ईयर डिज़ाइन आपको मिलता है, तो उस हिसाब से
नॉइस कैंसिल ये करता है आउटर साइड की, बट गाइस डेफिनेटली आपके आजू बाजू लोगों को पता चलने वाला है आप कौन सा म्यूजिक यहाँ पर सुन रहे हैं, तो 60-70% वॉल्यूम पर ही आप म्यूजिक सुने, काफी बढ़िया यहाँ पर रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ हाई मिड्स और लोज की, वो काफी अच्छे से बैलेंस है। जो ट्रेवल साइड आपको मिलते हैं इस हेडफोन के अंदर गाइस, वो काफी ज्यादा शार्प है, कभी कभार आपको माइनर डिस्टॉर्शन भी यहाँ पर फील होगा। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन काफी अच्छे से आपको मिल जाता है, तो बीट्स जो है आप एंजॉय करने वाले हैं। एंड गाइस जो यहाँ पर वोकल्स मिलते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेस की, तो बेस में मैं यार इसे यहाँ पर देना चाहूंगा 4.5 out of 5। क्यों? क्योंकि गाइस मैंने इस पर्सनल हेडफोन को यूज करने से पहले बोट के 3 हेडफोन को और भी यूज करा था। गाइस मैंने इस हेडफोन को इस्तेमाल करने के बाद बोट के 3 और हेडफोन को यूज किया था, जो कि मैंने यहाँ पर लिया था बोट रोकर 650, बोट रोकर 450 प्रो एंड गाइस बोट रोकर 550। ये तीनों ही मेरे फेवरेट हेडफोन्स हैं ऑडियो सेगमेंट में, और 550 तो पर्सनली मेरा यहाँ पर फेवरेट है। बट गाइस कहीं ना कहीं ये हेडफोन भी टक्कर का आप बोल सकते हैं, काफी कमाल का आपको बेस मिलता है, ऑडियो काफी कमाल की आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं म्यूजिक वाइज बात करूँ तो यार डेफिनेटली वर्थ इट है इसके प्राइस के हिसाब से। गाइस यहाँ पर हैमर आपको देखने के लिए मिलता है, तो यार इसने यहाँ पर काम तो काफी काबिल तारीफ किया है, तो डेफिनेटली ऑडियो सेगमेंट में मेरी तरफ से थम्स अप है इस हेडफोन को लेकर। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 40 mm के ड्राइवर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ साथ कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, रेंज इसकी 10 meter यहाँ पर होने वाली है, बैटरी आपको 300 mAh की मिलती है, और जो कि आपको 8 hours का प्लेबैक टाइम ऑफर करने वाला है इस हेडफोन के अंदर। साथ साथ कमाल की बात यह है गाइस, इस हेडफोन के अंदर आपको डुअल कनेक्टिविटी मोड मिलते हैं, ऑक्स और ब्लूटूथ दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर म्यूजिक को एंजॉय करेंगे। प्राइसिंग 1750 से बायलिंग डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो गाइस अमन गुप्ता ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है हैमर के अंदर अपनी होल्डिंग्स बनाकर, और आने वाले टाइम में हो सकता है हमें और भी इंटरेस्टिंग यहाँ पर प्रोडक्ट देखने के लिए मिले। गाइस आज की वीडियो थी इसी हैमर बैश 2.0 को लेकर, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल यूजफुल जरूर से लगी होगी। हेडफोन कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर से बताना, साथ ही साथ अदर वीडियोज देखने के लिए ऊपर आई बटन में जाइए, सभी वीडियो चेकआउट कीजिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम ट्विटर एंड फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। साथ ही साथ गाइस अब तो हमारा चैनल यहाँ पर टेलीग्राम पर भी आ चुका है, तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए। मेरा नाम है अपूर्व, फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टेक केयर देन, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।